गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। व्हाट्सअप क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम अपनी ईवीएस की बुक का तीसरा लेसन पढ़ रहे थे, तो हम अपना लेसन गर्मी ऋतु और सर्दी ऋतु के वस्त्र तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्षा ऋतु में कैसे वस्त्र पहने जाते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे वर्षा की ऋतु, ठीक है। वर्षा ऋतु के दौरान हम बरसाती तथा रबड़ के जूते पहनते हैं। हम इस ऋतु में छाते का प्रयोग भी करते हैं, बारिश से बचने के लिए छाते का प्रयोग करते हैं ना। बरसाती व रबड़ के जूते जल रहित होते हैं, इनमें क्या होता है, पानी नहीं जाता, इसलिए जल से बचने के लिए हम बरसाती या रबड़ के जूते भी पहनते हैं, जो हमें सूखा रखने तथा वर्षा ऋतु के दौरान गीला होने से बचाने में सहायता करते हैं। पता लगा, बरसाती और रबड़ के जूते पर पानी का कोई असर नहीं होता, इनसे बचने के लिए हम बरसाती और रबड़ के जूते पहनते हैं। ये तो था वर्षा ऋतु में जो जो वस्त्र पहनते हैं। आगे देखें, रेशम यानी सिल्क। कुछ व्यक्ति रेशमी वस्त्र पहनते हैं। रेशम अत्यधिक मुलायम पदार्थ है, जो रेशम के कीड़ों द्वारा बुने कोकून से प्राप्त होता है। ये वस्त्र बहुत रंगीन तथा सजावटी होते हैं। बहुत सी औरतें रेशम की साड़ियाँ पहनती हैं। रेशम के वस्त्र हम किसी पार्टी इत्यादि में पहनते हैं, कोई फंक्शन हो या पार्टी इत्यादि हो तब पहनते हैं, क्योंकि ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। आगे है चमड़ा। कुछ वस्त्र चमड़े के बने होते हैं, जैसे जैकेट, दस्ताने, बेल्ट, जूते आदि भी चमड़े के बने होते हैं। चमड़ा मृत जीव जंतुओं की त्वचा से मिलता है। चमड़े को नरम शिल्पशाला में साफ किया जाता है और फिर उसके वस्त्र बनाए जाते हैं। विशेष कार्यों के लिए एक विशेष पोशाक यानी वेशभूषा कहलाती है। विशेष कार्यों के लिए एक अलग पोशाक पहनी जाती है, उसको हम वेशभूषा कहते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले व्यक्ति विभिन्न वस्त्र पहनते हैं। वे अपनी राष्ट्रीय रीति रिवाज तथा जलवायु संबंधी परिस्थितियों के अनुसार ही वस्त्र पहनते हैं। तो ये थे चमड़े से बने वस्त्र, ये यहाँ तक हो गया। वस्त्र की देखभाल कैसे करनी चाहिए, हमें किसकी वस्त्रों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, तो ध्यान देंगे हमें सदैव साफ सुथरे तथा प्रेस किए हुए वस्त्र पहनने चाहिए। अपने वस्त्रों को उचित स्थान पर रखें। तो स्टूडेंट्स, आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा कि वस्त्रों की देखभाल के बारे में भी बता दिया और कौन सी ऋतु में कौन से वस्त्र पहनने चाहिए। तो ये लेसन हमारा तीसरा आज यहाँ तक समाप्त होता है। तो आपने इस लेसन को अच्छे से रीड करना है और उसे समझना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।